खत्म हो जाएगी दुनिया, नॉस्ट्रेडमस की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, क्या 2025 में भयंकर प्राकृतिक घटना होने वाली है? क्या 2025 के बाद महाभारत से भी बड़ा भयानक युद्ध होने वाला है? क्या 2025 और 2026 में दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दुनिया भर के मुसलमान और ईसाई लड़कर खत्म होने वाले हैं? क्या मानव जाति को कष्टों से छुटकारा दिलाने कोई भारतीय मुक्तिदाता आने वाला है? दोस्तों, जिन सवालों को आपने सुना, वह इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच बेहद अहम होने के साथ साथ हैरान करने वाले भी है। लेकिन तमाम और भी हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इन सवालों का उत्तर दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता ने जवाब हाँ में दिया है। तो कौन है वो मशहूर भविष्यवक्ता? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे मशहूर फ्रांस के भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की बात कर रहे हैं। नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कि 2024 के बाद अगले 10 साल में सब कुछ बदल जाएगा, इस्लाम और ईसाइयत का अंत हो जाएगा। भारत से निकलकर आया एक व्यक्ति पूरी दुनिया को राहत प्रदान करेगा। नॉस्ट्रेडमस ने यह भी संकेत दिए हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक धर्म और एक जाति रहेगी। दोस्तों, वीडियो में हम सबूतों के साथ नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी पहली किताब सेंचुरी के भाग 377वां सूत्र में लिखा है, 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों के लिए शर्म के हालात बनेंगे। मुसलमान आपस में ही लड़ेंगे, जिसे दुनिया भर में उनके धर्म की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। 2024 में आमतौर पर मौसम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आमतौर पर सूखे से पीड़ित जो जगह है वहाँ पर बाढ़ आएगी, जबकि पानी वाले क्षेत्रों में सूखे और अकाल का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में, जो कि अपने शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, वहाँ भारी बारिश हुई, जिसके चलते वहाँ के नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नॉस्ट्रेडमस ने 5वें भाग के 10वें सूत्र में लिखा है कि धर्म बांटेगा लोगों को, काले सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा और भूख से मानवता बेहाल होगी। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूर्य। एक बड़ा कुत्ता लगातार सारी रात रोएगा। भाग 10 के 96 सूत्र में नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की है कि सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत करेगी। ए और ए से घायल दो लोग सब जानते हैं कि चांद पर आधारित एक ही धर्म है, इस्लाम, और दुनिया भर में जितने भी महासागर है उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा है, इसे अब तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। आगे यह भी लिखा है कि लाल के खिलाफ लोग एकजुट होंगे, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। पूर्व का वो नेता अपने देश को छोड़कर आएगा। यूराल को पार करता हुआ इटली के पहाड़ों और फ्रांस को देखते हुए बर्फ के ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि विश्वव्यापी आग से अधिकांश राष्ट्रों में नरसंहार होगा। इस समय का संकेत देते हुए वे कहते हैं कि मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, ये राशियां मंगल, बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव में होंगे। तब धरती जलने लगेगी। जंगल और शहर यूं तबाह होंगे जैसे मोमबत्ती पर लिखे अक्षर। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने सेंचुरी के भाग 1 के 50वें सूत्र में लिखा है, तीनों ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई और नहीं होगा। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस के सूत्र का ज्यादातर लोगों ने जो मतलब निकाला है वो भारत और भारती से ही है। तीनों ओर समुद्र से भारत घिरा हुआ है। भारतीय कैलेंडर में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सनातनी लोग समान रूप से बेहद पवित्र मानते हैं। इसका कारण धार्मिक होने के अलावा वैज्ञानिक भी है, क्योंकि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है।
जबकि मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को और यहूदी धर्म में शनिवार को और ईसाई धर्म में रविवार को पवित्र माना जाता है। दोस्तों, सेंचुरी के पांचवें भाग के 27वें सूत्र में लिखा है, पांच नदियों के लिए प्रख्यात प्रायद्वीपीय राष्ट्र में एक महान राजनेता उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वही एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने पांच नदियों के लिए मशहूर जिस क्षेत्र की बात की है वो भारत का पंजाब राज्य है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने अपनी किताब के भाग 6 के 10वें सूत्र में लिखा है, सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेगी। दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 से 2025 के बीच पृथ्वी पर बहुत कुछ बड़ी घटनाएं और बदलाव होंगे। संभव है कि पूरी दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ हो जाए, यानी कि पूरी मानव सभ्यता एक ही सत्ता से शासित हो, पूरे विश्व में एक ही धर्म और एक ही जाति हो। लोग इसका अर्थ सनातन धर्म और एकमात्र मनुष्य जाति से लगा रहे हैं। नास्त्रेदमस के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमयी है और जो हजारों वर्षों से जीवित है। इस भविष्यवाणी का अर्थ 5000 साल से जीवित महाअवतार बाबा और उनके जैसे ही परम आध्यात्मिक विभूतियों से लगाया जा रहा है। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें विकसित हो जिससे मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले से ही जान ले। आगे वे लिखते हैं कि एक मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अमेरिका में गिरेगा और महान देशों को समुद्र पानी में डुबो देगा, और यह घटना तब होगी जब शांति को भंग करके महामारी युद्ध और बाढ़ का जोरदार कहर होगा। इस गोलाकार पर्वत से महापिंड द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। तबाही होने के बाद शांति का वातावरण होगा। इस शांत वातावरण से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटों का अंधेरा छा जाएगा और कई देशों के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा प्राकृतिक घटना के चलते होगा जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। उसी दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर होगा, ऐसा जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम थोड़ी जानकारी बाबा वेंगा के भविष्यवाणियों को जानते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। वेंगा को नास्त्रेदमस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है वे सभी सच हुई है। बुल्गारिया में पैदा हुई बाबा वेंगा ने 12 साल तक सामान्य जिंदगी जी। इसके बाद एक दिन एक रहस्यमय तूफान आया जिसमें वह न जाने कहां चली गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद वह परिवार को मिली, लेकिन उनकी आंखों में मिट्टी भर गई थी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसके बावजूद भी वे बहुत कुछ अपने अंतर मन से देख लेती थी और भविष्यवाणियां करके लोगों की मदद भी करती थी। बाबा वेंगा को रूस में एक संत के रूप में सम्मानित किया गया। 1996 में 85 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, बाबा वेंगा ने 50 साल में करीब 100 भविष्यवाणियां की। इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। साल 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मानवता पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। यूरोप में आंतरिक संघर्ष से भारी तबाही मचेगी जिससे यूरोप की आबादी को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, बाबा वेंगा ने ऐसी और भी कई भविष्यवाणियां की है जो सत्य साबित हो रही है। दोस्तों, 2025 को लेकर बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है अपने ज्ञान अनुसार कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।